इस कहानी में हम एक ऐसी औरत को देखेंगे जो अपने पति के साथ साथ अपने जवान बेटे को भी नमकीन पानी पिलाती है। मूवी के स्टार्ट होते ही पॉल नाम का लड़का भागता हुआ अपने भाई स्टीव के पास आता है। स्टीव अपनी लवर की खुदाई कर रहा होता है। पॉल स्टीव को बताता है, कल रात हमारे डैड ने किसी लड़की के साथ शादी कर ली। स्टीव कहता है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तब पॉल कहता है, मुझे हमारे वकील ने बताया है और अपनी नई मॉम का नाम कैरन है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। स्टीव की गर्लफ्रेंड जी बेड से उठकर अपने कपड़े पहनती है और उन दोनों से कहती है, तुम्हारे डैड एक अमीर आदमी है और वो लड़की तुम्हारे डैड का सब कुछ लूट कर भाग जाएगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं, शाम को जेरी अपनी नई वाइफ कैरन के साथ घर पर आता है। इसके बाद वो उसे अपने दोनों बेटे पॉल और स्टीव से मिलाता है। कैरन एक जवान और सेक्सी औरत थी, लेकिन वो पॉल और स्टीव को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। जेरी उन दोनों से उनकी छोटी बहन नीना के बारे में पूछता है, जो इस टाइम घर पर नहीं थी। इसके बाद वो कैरन को सारा नाम की लेडी से मिलवाता है, जो इस घर की केयर टेकर थी और वो सबका ध्यान रखती थी। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर जेरी कैरन को नंगा करके उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। एक्चुअल में कैरन पहले लोगों के सामने अपने कपड़े उतार कर डांस करती और लोगों का मन बहलाती थी और फिर पैसों के लिए उनके साथ घपाघपी करती थी। जब जेरी की नज़र उस पर पड़ती है, तब उसकी खूबसूरती देखकर वो पागल हो जाता है और उसे शादी करके उसे घर पर ले आता है। इसके बाद जेरी अपना घोड़ा कैरन की गुफा में दौड़ाने लगता है। अगली सुबह नाश्ते के टाइम जेरी अपनी दोनों बेटों पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो दोनों अपना काम सही से नहीं करते थे। इसके बाद जेरी की बेटी नीना घर पर आती है। इसके बाद वो उसे कैरन से मिलवाता है, लेकिन अपने भाइयों की तरह नीना को भी कैरन से मिलकर खुशी नहीं होती। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं, नीना बीच पर घूम रही थी तो दूसरी तरफ कैरन अपने बदन पर धूप सेक रही थी। इसके बाद स्टीव उसके पास आता है और उसे कहता है, तुमने हमारे डैड से पैसों के लिए शादी की है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कैरन उसकी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देती। इसके बाद जेरी उसी को अपनी शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखता है, जहां पर स्टीव और पॉल दोनों की गर्लफ्रेंड आई हुई थी। पॉल की गर्लफ्रेंड का नाम सैंडी था, वो भी कैरन से मिलती है। पार्टी एंजॉय करने के बाद कैरन और जेरी अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में आने के बाद कैरन अपने कपड़े उतारती है और टांगे फैलाकर लेट जाती है। फिर जेरी अपना कमाल दिखाता और अपनी जीभ से उसकी गुफा का नमकीन पानी निकालने लगता है। जब ये दोनों घपाघप कर रहे थे, तब नीना उन दोनों को चुपके से देख रही थी। अगले दिन कैरन अकेले ही जेरी की कंपनी का कंस्ट्रक्शन साइट पर चली जाती है, जहां पर वो स्टीव से मिलती है और वो उसे कहती है, अगर तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो सीधा सीधा मुझसे पूछो, किसी और से नहीं। एक्चुअल में स्टीव कैरन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में कैरन को पता चल जाता है। उसी दिन जेरी किसी काम से सिलसिले में बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, रात में स्टीव कुछ काम कर रहा था, तभी कैरन वहां पर आती है और उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरी ये फोटोज देखना चाहोगे? स्टीव के हाँ कहने पर ये दोनों मिलकर फोटोज देखने लगते हैं। कैरन की फोटोज आधे कपड़ों या बिना कपड़ों की थी, जिन्हें देखकर स्टीव का औजार खड़ा होने लगता है। कैरन की नज़र उसके औजार पर पड़ जाती है, फिर कैरन उसे सेड्यूस करने लगती है। स्टीव बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर वो उसे किस करने लगता है और स्टीव सोफे पर ही खुदाई चालू कर देता है। कुछ दिनों के बाद जेरी अपने काम से वापस आता है। ये सब मिलकर बीच पर खूब इंजॉय करते हैं। जेरी अपनी फैमिली और जवान बीबी के साथ बहुत खुश था। इसके बाद हम देखते हैं, कैरन और स्टीव मौका देखकर फिर से अपनी प्यास बुझाते हैं। कैरन स्टीव से कहती है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और खुद बाय बिना नहीं रह सकती। एक दिन जेरी को फिर से किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। तब स्टीव कैरन से कहता है, हम दोनों किसी दूसरे शहर जाकर मजे करते हैं, घर पर तो किसी ना किसी के आने का डर लगा रहता है। कैरन उसकी बात मान जाती है और कुछ दिनों के लिए अपनी शादी वाली अंगूठी निकालकर स्टीव के साथ घूमने के लिए चली जाती है। दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां पर कैरन की मुलाकात अपने ओल्ड फ्रेंड माइक से होती है, जो उसका पहले काम संभालता था। माइक उससे स्टीव के बारे में पूछता है, वो कौन है और तुम्हारा पति कहाँ है? क्या तुम शादी के बाद भी लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रही हो? इसके बाद कैरन उसकी बातों को टालकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो कमरे में आकर सारा को कॉल करती है और उसे कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर आई हूं। तब सारा उसे बताती है, जेरी जो कुछ दिनों के बाद आने वाला था, वो आज शाम को ही घर वापस आ रहा है। इसके बाद कैरन और स्टीव तुरंत अपने घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनके घर आने से पहले ही जेरी घर पर आ चुका था। जेरी को उन दोनों को साथ देखकर उन पर शक होने लगता है। एक दिन जेरी अपनी गाड़ी को एक ऊंची सी पहाड़ी पर रोककर अपने वकील से बात कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं, पॉल अपने घर पर आकर बताता है, कुछ लोगों ने हमारे डैड की गाड़ी को पहाड़ी से गिरते हुए देखा है। कुछ टाइम के बाद वकील भी वहां पर आ जाता है और उन लोगों को बताता है, ना ही पुलिस को गाड़ी मिली है और ना ही तुम्हारे डैड। इसके बाद अगले दिन रॉब नाम का एक पुलिस ऑफिसर उनके घर पर पूछताछ के लिए आता है। वो उनसे पूछता है, क्या जेरी किसी परेशानी में था जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने के बारे में सोचा? स्टीव कहता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो अपनी शादी के बाद से बहुत ज्यादा खुश थे। रॉब उनकी बातें सुनकर वहां से चला जाता है और अगले दिन स्टीव को पुलिस
पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे बताया जाता है पुलिस को जेरी की गाड़ी मिल चुकी है लेकिन उनकी बॉडी के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसके बाद हम देखते हैं शाम को कैरन बीच पर घूम रही थी, जब वो वापस आती है तब उसे वहाँ पर अपनी ही तस्वीर मिलती है जो किसी ने उसी टाइम खींची हुई थी। ये देखकर कैरन घबरा जाती है और वो सारा से इसके बारे में पूछती है। सारा कहती है हम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। परेशान होकर कैरन स्टीव के पास जाती है और उसे कहती है मुझे लगता है जेरी अभी भी जिंदा है। स्टीव उसे समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा बहम है। अगले दिन कैरन सारा से नाराज होकर उसे नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं रात को जब स्टीव घर पर आता है तब कैरन उस समय नहा रही थी। उसका गीला और गदराया हुआ बदन देखकर स्टीव उस पर टूट पड़ता है और नीचे बैठकर अपना मुंह उसके टांगों के बीच डाल देता है। अचानक तभी स्टीव को कैमरे की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही स्टीव इधर उधर देखने लगता है तभी जेरी वहां आकर उसे पकड़ लेता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है और जेरी स्टीव के हाथों मारा जाता है। कैरन जेरी को देखकर हैरान हो जाती है। एक्चुअल में जेरी अपनी वाइफ और बेटे को खुदाई करते टाइम रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी सुसाइड का नाटक किया था। लेकिन आज उसका ये नाटक सच हो जाता है और वो सच में मारा जाता है। इसके बाद वो दोनों जेरी की लाश को लाकर उसी की कंस्ट्रक्शन साइट में दफन कर देते हैं। फिर उन दोनों को प्यार करने से रोकने वाला कोई नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं स्टीव पूरे दिन काम करता है और रात को जब वो घर वापस आता तब कैरन उसकी प्यास मिटाकर सारी थकान उतार देती। एक दिन कैरन के पास माइक आता है जिसे उसी ने घर बुलाया हुआ था। अब कैरन स्टीव से छुपकर माइक के साथ मजे करने लगी थी, जैसा उसने जेरी के साथ किया था वैसा ही वो स्टीव के साथ करने लगी थी। स्टीव के काम पर जाने के बाद वो कभी माइक को अपने घर बुलाती और कभी उसके साथ बाहर मजे करने के लिए निकल जाती। कुछ ही टाइम में स्टीव को कैरन पर शक होने लगता है। एक रात स्टीव घर पर आता है तब कैरन वहां पर नहीं थी। कैरन अगली सुबह भी घर पर नहीं आती तब कैरन के लिए एक लड़की का फोन आता है। ये कॉल स्टीव उठाता है और वो लड़की कहती है कैरन से कहना वो मुझे होटल में शाम को 5 बजे मिले। एक्चुअल में ये कॉल माइक ने करवाया था स्टीव को शक ना हो और वो आराम से कैरन को अपने पास बुलाकर मजे कर सके। लेकिन कैरन का अभी तक कोई पता नहीं था। उसके बिना बताए गायब होने से स्टीव परेशान होने लगता है। वो सोचने लगता है शाम को कैरन किसी लड़की से नहीं बल्कि अपने लवर से मिलने वाली है। ये सोचकर वो होटल की तरफ निकल पड़ता है। अचानक से रॉब उसकी गाड़ी रोककर उसे चेक करने लगता है। गाड़ी की डिक्की में कैरन की लाश पड़ी होती है जिसे देखकर स्टीव हैरान हो जाता है और रॉब उसे अरेस्ट कर लेता है। इसी बीच मौका देखकर स्टीव भागने की कोशिश करने लगता है जिसकी वजह से रॉब उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। कुछ टाइम के बाद सारा घर पर वापस आ जाती है और वो स्टीव और कैरन की फोटोज जला रही थी। एक्चुअल में सारा ने ही कैरन को मारकर स्टीव की कार में छुपा दिया था जिससे उसके मर्डर में स्टीव पकड़ा जाए। वो जानती थी स्टीव ने ही अपने डैड को मारा है और सारा ने ही स्टीव और कैरन के अफेयर के बारे में जेरी को बताया था जिससे वो कैरन को घर से बाहर निकाल दे। एक्चुअल में सारा मन ही मन जेरी से प्यार करती थी लेकिन वो कभी उसे बता नहीं पाई। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।